As long viewers. As my name is manchima Chima, founder and CEO of Makan Solution Private Limited, and welcome back with another video. This video is about Lahore Smart City overall development update, end of September 2021. थर्ड क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी इज ऑलमोस्ट एंडिंग तो इस टाइम तक आप लोगों को काफ़ी हद तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी कि, कि साइट पर डेवलपमेंट इस वक्त किस स्टेज पर पहुंची है बेसिकली ये जो वीडियो इस वक्त जिस फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं आप ये एंट्रेंस रोड जो मेन रोड होगा जो इससे मेन आगे अंडरपास कनेक्ट करेगा और जो जी टी रोड को लिंक करेगा ये उस रोड की फुटेज है जिस जिसपे कारपेटिंग काम भी हो गया है एक साइड पर और आगे यही रोड लीड करती है टूवर्ड्स मेन बुलेवर्ड जो आगे जाके मेन बुलेवर्ड होगा थ्री हंड्रेड फीट वाइड उससे कनेक्ट करेगा इस रोड की वेट था है वन एटी फीट और यही आगे जाके सेपरेट होता है दूसरे रोड में जिसे मेन रोड सी कह लें ये मेन रोड बी है इसके अलावा मेन रोड ए भी है जो रेलवे लाइन के साथ है बिल्कुल अब इस मेन रोड से आगे रिंग रोड की तरफ जो कनेक्शन है जो रिंग रोड करंट स्टेटस है रिंग रोड का काट से आप विज़िट करते हैं अगर से लाहौर से टूवर्ड इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से टूवर्ड लाहौर तो आपको जो लेफ्ट साइड पर एरिया नजर आता है रिंग रोड का जहां पे डेवलपमेंट इस वक्त काफी तेजी से हो रही है जहां पे लाहौर स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं और जहां पर लाहौर स्मार्ट सिटी का साइट ऑफिस भी है वो एरिया नजर आता है उस साइट से कनेक्ट करेगा अगर हम बात करें कि ओवरऑल साइट पर जो बाकी प्लाट्स की डेवलपमेंट है उसके हवाले से तो प्लॉट्स के हवाले से अभी तक क्योंकि प्रॉपरली कोई ऑफिशियली मास्टर प्लान लॉन्च नहीं किया गया अभी साइट पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिसिज़ हैं और साइट पे जो बेसिक डेवलपमेंट है जो बेसिक अर्थवर्क है उस पे काम हो रहा है इस रोड के लेफ्ट साइड पे यानी जो मेन रोड एंटर होगा यहाँ से इस रोड के शुरू में लेफ्ट साइड और राइट साइड पर आठ मराला कमर्शियल प्लाट्स होंगे और जो चार मराला कमर्शियल प्लाट्स हैं वो सेक्टर सेक्टर वाइज प्लाट होंगे डिवाइड होंगे इस रोड के लेफ्ट साइड पर जो कुछ लैंड है जहाँ पर आपको प्लेन लैंड नज़र आ रही है इस वाले एरिया में भी लेवलिंग काम तो ऑलरेडी हुआ था कुछ जगह पैचेज़ में Uh, मजीद उसको कंपैक्ट करके लेआउट प्लान को सीधा करके उस पर वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट्स का या मेन रोड का काम जो है उस पर भी स्टार्ट आगाज़ हो गया है इनशाला मैं जो अगली वीडियो बनाऊँगा वो उसी मेन रोड पे होगी बट ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर तो इनिशली जो पहले अभी यहाँ पे ऑफिशली फेबररी मार्च या आप कह लें कि मार्च अप्रैल में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी डेवलपमेंट फोर फाइव सिक्स मंथ्स में यहाँ पर जो डेवलपमेंट का स्टेटस इस वक्त है वो ये है कि साइड पर एक साइड मेन बुलेवर्ड है जिसकी अराउंड थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मीटर्स रोड है जिसको कंप्लीट किया गया है वन किलोमीटर हाफ ए किलोमीटर आप कहें पॉइंट टू फाइव किलोमीटर कह लें जो रोड कंप्लीट हुआ है कारपेटिंग हुई है 180 की और दूसरी साइड पर इस रोड के जो लेवल लैंड है यानी ऑलरेडी लेवल लैंड है वहाँ पे अंदर स्ट्रीट्स का जो कटिंग और फिलिंग वाला प्लान होता है जो कटिंग वाला प्लान होता है यानी कि स्ट्रीट्स की लेआउट uh, प्लान जो प्रॉपर्ली डिसाइड करता है कि ये एक डिवाइडर रोड है इसके साथ लेफ्ट साइड पर स्ट्रीट्स होंगी राइट right साइड पर स्ट्रीट्स होंगी उस पर काम हो रहा है बाकी जो साइड पर मेन इंपॉर्टेंट काम है वो साइड पर जो कैंप ऑफिस है जहाँ से आगे फ्यूचर में जितनी डिवेलपमेंट है साइड की वो कंट्रोल होगी उस पर काम हो रहा है बाकी साइड की हम बात करें कि ओवरऑल साइड पर कितना एरिया ऐसा होगा जो ग्रीन जोन में आता है और कितना एरिया ऐसा होगा जो नॉर्मल जोन में है, ग्रीन जोन का जो एरिया होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ आ, फार्म हाउसेज होंगे चार पांच और दस कनाल के जिनको लेटेस्ट स्टेज पर लॉन्च किया जाएगा इस जोन में जो प्लाट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ पांच मरला सात मरला दस मरला बारह मरला और एक कनाल के प्लॉट्स हैं नॉट इवन टू कनाल प्लॉट्स अभी तक लॉन्च नहीं किए गए इन प्लॉट्स के अलावा यहां पर कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनमें साइजेस हैं चार मरला और आठ मरला के प्लॉट्स इसके अलावा कोई और कमर्शल प्लाट्स भी नहीं लॉन्च किए गए जैसे कि इस्लाबाद में है वहाँ पे ढाई मल्ला प्लाट भी हैं वहाँ पे चार मल्ला प्लाट भी इस्लामाबाद में है कैपिटल स्मार्ट सिटी में और इसके अलावा चार मल्ला कमर्शियल हैं आठ मल्ला कमर्शियल हैं इसके अलावा कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं मेन रोड के साथ और प्राइम में जहाँ पे दो कनाल और चार कनाल की कटिंग भी मौजूद हैं उनको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया बट वहाँ पे प्लॉट्स का एक प्रॉपर मैप लॉन्च है सारी चीज़ें क्लियर हैं बाकी जो इस वक्त लाहौर स्मार्ट की चीज़ें लॉन्च हुई हैं उनमें सिर्फ पाँच मरला रेजिडेंशियल सात मरला रेजिडेंशियल दस मरला रेजिडेंशियल बारह मरला रेजिडेंशियल और एक कनाल रेजिडेंशियल प्लाट्स लॉन्च हुए हैं और कमर्शियल प्लाट्स में पहले बता चुका हूँ सिर्फ चार आठ मरला के लॉन्च किए गए हैं इसके अलावा कोई और प्लाट्स लॉन्च नहीं किए गए लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने अर्ली डेज़ में इन्वेस्ट किया था तो उनके इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आया जैसे किना के प्लॉट इस वक्त मार्केट में साढ़े आठ से लेकर नौ लाख तक अवेलेबल हैं, आ, है डिपेंडिंग ऑन द कितना ट्वेंटी परसेंट पेड है ज़्यादा पेड है तो प्रॉफिट कम है कम पेड़ है तो प्रॉफिट ज्यादा है रिवर्स है यहाँ ओवरऑल तो डिटेल है हॉर्स मार्केट की डेवलपमेंट की साइड की मैं आने वाले दिनों में मजदीद वीडियो पोस्ट करूंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल स्टेटस जो डेवलपमेंट का है वो कांस्टेंट करता है सो विर दिस इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव डबल नाइन डबल नाइन डबल एट वन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज रू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज